अच्छा ठीक है, ये एक फाइल जो हमने अभी बना रखी है इसका पहले सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस तरह से वो क्या वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं मोजिला खोल रहा हूँ। फाइल में गए, ओपन, ओपन में हमारी जो फाइल है वो है फॉर्मेटिंग थ्री नाम की। ठीक है, एफ ड्राइव के अंदर मेरी फाइल पड़ी है एचटीएमएल फाइल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, इस पर आउटपुट में जो आ रहा है, एक तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन आ रहा है, दूसरा जो टेक्स्ट है वो हमारा वाइट कलर में आ रहा है, और तीसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये डबल कोट आ रहे हैं इस तरह से, और ये ग्लास वाला कलर का थोड़ा सा आगे आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके लिए हमने क्या क्या सेटिंग करी हुई है अपने एचटीएमएल की फाइल के अंदर। तो ये मेरी फॉर्मेटिंग थ्री वाली फाइल है, इसमें टाइटल तो मैंने बेसिक फॉर्मेटिंग दे रखा है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, टाइटल बार में हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग लिखा हुआ जाएगा। चाहे तो देख भी लेते हैं, ये हमारा इसमें आ गए हम मोज़िला फायरफॉक्स, और यहाँ पे टाइटल बार में हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बना रखा है, ठीक है, और इसमें कुछ लिखा हुआ है, वी हैव सेट द बैकग्राउंड कलर, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, और पी को ओपन कर रखा है यहाँ पे हमने और पी को क्लोज कर रखा है। लेकिन वहाँ पे हमारा पेज के अंदर देखना बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक यूज़ किया हुआ है एट्रीब्यूट बॉडी का बीजी कलर, और यहाँ पे हमने ग्रीन दे रखा है। अगर मैं ग्रीन की जगह कुछ और भी दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रेड, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, और फिर मैं अपने ब्राउज़र में गया और मैंने F5 प्रेस कर दिया, तो मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कलर का नेम भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम कोड भी दे सकते हैं। अगर आपको कलर के कोड भी पता है तो वो भी आप दे के कलर चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कोड लिखे होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है आपका वाइट आ रहा है, अगर आपको कोई और कलर में चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने दे दिया ब्लू, BLUE, और इसको सेव कर लिया, तो टेक्स्ट के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोड दे सकते हो। मैंने F5 दबा लिया और जो टेक्स्ट है मेरा ब्लू में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो इस तरह से ये जो लाइन लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वाला साइन है और फिर दो डैश लगा के, और इसके बीच में कुछ लिखा हुआ है, ब्राउजर यूजुअली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड दी क्यू एलिमेंट, और फिर एरो क्लोज कर रखा है और ये दो डैश लगा के। तो इस तरह से जब भी आपको अगर एचटीएमएल पेज के अंदर कोई कमेंट बनाना है, कमेंट क्या होते हैं, वो आपको वेब पेज पर दिखाई नहीं देगा जो इसके अंदर लिखोगे, लेकिन वो एक यूज़र के इन्फॉर्मेशन होता है, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आप अपनी जो जहाँ पे आप कोडिंग कर रहे हैं एचटीएमएल की नोटपैड के अंदर, वहाँ पे इस तरह से कमेंट बना सकते हो, लेकिन वो जो भी आप कमेंट के अंदर लिखोगे वो आपको ब्राउज़र में नहीं दिखेगा। तो अगर हम देखना भी चाहें इस वाले पेज पे, ब्राउज़र में अगर हम जाएंगे तो वो जो लाइन हमें दिख रही थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, तो वो सिर्फ हमने कमेंट बना के रखा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा इसमें देखो हमने क्या किया, एक और पैराग्राफ टैग हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पे, पी टैग, और पी टैग को क्लोज कर रखा है, लेकिन इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने कुछ और एक और टैग यूज़ किया हुआ है, जो है हमारा क्या, कोटेशन टैग, जिसको हम बोलते हैं क्यू, और क्यू के अंदर ये आपने दिखा दे रहा है यहाँ पे क्यू, इसमें लिखा हमने डिज़ाइन ए वेबसाइट, और क्यू को क्लोज कर रखा है। तो जब भी हम क्यू टैग का यूज़ करते हैं वो क्या करता है, उस लाइन के अंदर या जो भी कुछ आपने लिखा है क्यू और स्लैश क्यू के अंदर, उसमें डबल कोट लगा देता है, और ऐसा हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, पेज पे चले जाते हैं, ये डिज़ाइन ए वेबसाइट, यहाँ पे हमें डबल कोट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो क्या दिख रहा है, डिज़ाइन ए वेबसाइट से पहले डबल कोट और एंड पे भी डबल कोट, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, क्यू टैग का यूज़ किया हुआ है पेज के अंदर, क्या किया हुआ है, ये क्यू टैग है स्लैश क्यू और इससे पहले क्यू, बीच में डिज़ाइन ए वेबसाइट किया हुआ, तो इसलिए डबल कोट। लेकिन अगर आपकी लाइन ज़्यादा है, लगभग 3-4 लाइन है अगर आपकी, और तब आपको उसे दिखाना है कि ये कोटेशन है, मतलब कोटेशन क्या होता है हमारा, कि जैसे किसी ऑथर ने कोई लाइनें डिस्क्राइब कर रखी किसी बुक के अंदर, और एज इट इज़ वही लाइनें आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए तो उसके लिए हम कोटेशन का यूज़ करते हैं। तो कोटेशन के दो तरीके हैं, एक तो क्यू टैग कर लो, अगर छोटी सी लाइन है, एक लाइन है, सिंगल लाइन है, तो क्यू टैग का यूज़ कर लो, लेकिन अगर कई बार ऑथर ने कोई डेफिनेशन दे रखी 3-4-5 लाइनों की, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा टैग है, और वो दूसरा टैग क्या है, वो है हमारा ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड किस लिए यूज़ किया जाता है, कि जब आप किसी दूसरी वेबसाइट से, किसी ऑथर ने जो उस वेबसाइट में कोई डेफिनेशन दे रखी 3-4 लाइनों की, तो वो आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए तो हम इस ब्लॉक कोड टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्पेलिंग यही है, ब्लॉक कोड और साइट करके जो हमने दे रखा है, ये उस साइट का एड्रेस है जहाँ से हम वो लाइनें उठाने वाले हैं। ठीक है,
और इसको क्लोज कर रखा है। उसके बाद में जो लाइनें हैं वो लाइनें हमने ये लिखना शुरू कर दी यहाँ से, फॉर 50 ईयर्स WWF हैज बीन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर, इस तरह से ये लिख दिया। और यहाँ तक ये ग्लोबली तक हमारा जो है ये हमने ये लाइनें उस दूसरी वेबसाइट से उठा रखी हैं, ये worldline.org से हमने लाइनें उठा रखी हैं, और जो लाइन है वो हमने यहाँ पे लिख दी। और फिर ये यहाँ पे हमने ब्लॉक कोड को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट किया था ब्लॉक कोड और यहाँ पे एंड कर दिया, और उसके बीच में हमने लाइनें लिख दी। ठीक है, तो तीन चार लाइनें थी तो हमने इसलिए इसको ब्लॉक कोड के अंदर रख दिया। तो जब हम इसमें फ़र्क ये होता है कि जब भी हम ब्लॉक कोड टैग का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो अब डबल कोट नहीं लगाता, ऊपर डबल कॉमास नहीं लगाता है, वो क्या करता है उसको थोड़ा सा आगे खिसका देता है, जिसको हम इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, देख भी लेते हैं कैसे आ रहा है। ये पेज पे गए, यहाँ पे देखो ये जो फॉर 50 ईयर्स था, ये बाकी सारे जो हमारी लाइन है वो एकदम कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, जबकि ये तीन लाइनें हमारी थोड़ा सा इंडेंट होगी, आगे खिसकेगी राइट साइड में। तो जब ये ऐसा इसलिए हुआ है कि ये ब्लॉक कोड टैग का यूज़ किया हुआ हमने इसलिए, और हमने इसलिए किया था क्योंकि ये लाइनें हमने कहीं और से उठा रखी हैं। ठीक है, कहीं और से ले रखें किसी और पेज से, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है। और फिर हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे देखो ये हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने ये कमेंट बना रखा है, क्योंकि हम जिस तरह का वर्क कर रहे थे तो अगर कोई डॉक्यूमेंट पढ़े उसे समझ आ जाए कि भाई ये क्या चीज़ है, उसके लिए हम क्या करते हैं ये कमेंट बना देता है। और कमेंट बनाने के लिए यही आपका लेसर देन वाला सिंबल, एक्सक्लेमेटरी वाला सिंबल, फिर ये डैश, और फिर बीच में जो भी आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा हुआ है ब्राउजर यूजुअली इंटेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, यानी कि इस लाइन के थ्रू हमने ये समझाया है कि जब हम ब्लॉक कोड एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो वो उसके बीच में रखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं, जैसे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे तीन टैग थे इसके अंदर, एक तो ब्लॉक कोड हो गया, एक क्यू टैग हो गया, और एक हमारा था बीजी किलर जो हमने बॉडी का एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, और एक टेक्स्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, वो क्या है, अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना, यानी कि अगर आप अपने पूरे बैकग्राउंड में कोई इमेज लेके आना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे लिख देना है BACKGROUND बैकग्राउंड, डबल कोट के अंदर हमें क्या कर देना है, फाइल का नाम दे देना है। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, मैं मेरी फाइल पड़ी हुई कहाँ पे, माई कंप्यूटर के अंदर एफ ड्राइव है मेरी, एफ ड्राइव के अंदर मेरा HTML फाइल्स फोल्डर है, उसके अंदर मेरी एक फाइल पड़ी है मिनी नाम की। ठीक है, और ये JPEG फाइल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे नोटपैड मैं जा रहा हूँ दोबारा से, नोटपैड में जाने पर जहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर क्या दिया था, बैकग्राउंड लिखा था, बैकग्राउंड के अंदर डबल कोट लिखे हुए, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं वो फाइल का नाम दे देता हूँ MINI.JPG। और ये बीजी कलर मैं हटा रहा हूँ अभी, ताकि हमें एकदम क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं वेब ब्राउज़र में गया अपने मोज़िला में, F5 दबा दिया, तो इस तरह से देख रहे हो कि पूरे बैकग्राउंड में मेरी क्या गई, इमेज आ गई। तो अगर आपको इस तरीके से भी चाहिए बैकग्राउंड में इमेज, तो हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में लिख के इमेज का नाम दे सकते हैं, और हमारे बैकग्राउंड में क्या होगा, जो इमेज है वो आ जाएगी।